पिछली वीडियो में आपां स्टार्ट मेन्यू टास्क बार आइकन्स फोल्डर क्रिएशन और डिलीशन बारे देखिया सी और व्यू एंड सॉर्ट बारे भी सारा देख लिया सी, कॉपी पेस्ट बारे भी देखिया सी। सो आज दी अपनी वीडियो हैगी है स्क्रीन रेजोल्यूशन गैजेट पर्सनलाइज एंड डेट एंड टाइम दे उत्ते। सो सब तो पहला आपां जिहड़ा है स्क्रीन रेजोल्यूशन दे उत्ते मैं क्लिक किया, राइट क्लिक करके माउस तो क्लिक करना है। सो उस तो बाद इत्थों तुसीं जिहड़ा है इहदी सैटिंग कर सकते हो कि अगर तुसी विंडो दा जिहड़ा साइज़ आ उह घटाउणा वधाउणा होवे ते इत्थों विंडो नूं तुसी लैंडस्केप पोर्ट्रेट अपने अकॉर्डिंग जिस तरह दा तुसी करना चाहुंदे हो कर सकते हो। ये डिस्प्ले दे अकॉर्डिंग हर कंप्यूटर दा अलग अलग हुंदा आ। सो नैक्सट हैगे अपने को गैजेट्स, उही राइट क्लिक करके माउस तो आपां राइट जिहड़ा गैजेट सिलेक्ट कीता। हुण देखो ये गैजेट्स की हुंदे आ, देखो क्लॉक बनिया होया आ, पजल्स बनी हुई आ, कैलेंडर बनिया होया आ। सो इस तरह के जिहड़ी आ ये सारी गैजेट्स हुंदे आ जिहड़े आपां डेस्कटॉप दे उत्ते रख सकदे आ। सो इन्हां नूं कैंसल करन दे लई इन्हां दे उपर ही जिहड़ा क्रॉस बटन बनिया हुंदा उत्थों क्रॉस भी कर सकदे आ। सो नैक्सट हैगा पर्सनलाइज, हुण इहदे विच आपां जाणांगे डेस्कटॉप दी बैकग्राउंड कलर साउंड स्क्रीन सेवर एक्सेट्रा। सो सब तो पहला आपां देख लैंदे हां कि इहदे विच आपां आइकनस किद्दां चेंज कर सकदे हां। हुण जिहड़े आइकनस आ अपने डेस्कटॉप दे उत्ते आइकनस बने हुए आ, कंप्यूटर दा आइकन आ, रीसाइकल बिन दा आइकन आ, सो उहनां आइकनस दा अगर आपां जिहड़ा आइकन चेंज करना होवे, मान लो हुण एक कंप्यूटर दा आइकन बनिया होया कंप्यूटर उत्ते, उहदे उत्ते आपां कोई होर आइकन जिहड़ा उह लगाउणा चाहुंदे हां, सो उसदे लई आपां कि इत्थों ब्राउज करांगे। चेंज ब्राउज दे उत्ते क्लिक करन तो बाद इत्थे बहुत सारे आइकनस बने हुए आ, इन्हां विचों जिहड़ा भी आइकन आपां चूज़ करना चाहुंदे आ उह इत्थों सिलेक्ट करके ओके करना आ। सो उस तो बाद इह इत्थे ओके हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। सो नैक्सट हैगा चेंज माउस पॉइंटर, देखो हुण माउस दा इह एरो बनिया होया आ जिहड़ा घूम रहा है येलो कलर दा मेरा भी। सो इत्थों जिहड़ा तुसीं इत्थे भी बहुत सारे इहदे माउस दे पॉइंटर आ जिन्हां नूं तुसीं चेंज करके कोई भी जिहड़ा माउस पॉइंटर आ उह बदल सकदे हो। सो इत्थे बहुत सारे आ, तुसीं अपने अकॉर्डिंग जिहड़ा मर्जी लैके ओके करना आ। सो इहदे विच माउस दी स्पीड दे लई भी हैगी आ, माउस दी स्पीड अगर फास्ट कर दिंदे आ दैन उह फास्ट हो जाएगी, अगर उहनूं मीडियम कर दिंदे दैन मीडियम रहेगी, अगर उहनूं आपां स्लो कर दिंदे आ तां बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ज़्यादातर आपां माउस जिहड़ा आ उह मीडियम दे उत्ते ही रखदे आ कि जिहड़ा ना ही फास्ट होवे और ना ही बहुत स्लो होवे। सो इस करके इहनूं आपां मीडियम दे उत्ते सैट कर लैंदे आ। नैक्सट अपने कोल सारियां सैटिंग्स आ, इन्हां नूं तुसीं चेंज जरूर करके देख लेना, लगा के जरूर देखना, चेंजेस जरूर करनी है कंप्यूटर विच क्योंकि जदों तुसीं करोगे तां ही सीखोगे। नैक्सट है अपने को चेंज योर काउंट पिक्चर, हुण इहदे उत्ते जदों आपां क्लिक करदे हां तां देखो इहदे विच आपां जदों स्टार्ट बटन दे उत्ते क्लिक करदे सी तां उपर एक इमेज बनी हुई सी, इस इमेज नूं आपां चेंज कर सकदे हां। सो सपोज़ मैं इत्थों जिहड़े आ वाली पिक्चर जिहड़ी है सिलेक्ट कर ली, उस तों बाद नीचे क्लिक करना चेंज पिक्चर दे उत्ते। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟ ਪਿਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਟੋਪ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਦੇਖੋ ਡਿਸਕਟੋਪ ਦੀਆਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ ਬਟਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਆ ਕਲਰਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਟੋਪ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਟੋਪ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪਿਕਚਰ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸ਼ਫਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਫਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਚ ਚਾਹੀਦੀ, ਟਾਇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਉਹ ਸੇਵ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਿੰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਕ, ਰੈੱਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੈੱਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਰ ਲਾਈਟ ਔਰ ਡਾਰਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੇਵ ਚੇਂਜਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਊਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਟਿਕ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
सो इसी तरह अपने को स्क्रीन सेवर आ गया, जदों आप कंप्यूटर दे वर्क नहीं कर रहे होंगे बट कंप्यूटर अपना ऑन हुंदा आ, उस टाइम अपने कंप्यूटर दे उत्ते थोड़े टाइम बाद स्क्रीन सेवर घूमना लग पैंदा, जिन्ना आपां नूं पता लग जांदा कि कंप्यूटर अपना ऑन आ। सो इत्थों जिहड़ा आ कोई भी सिलैक्ट कर लो, सपोज मैं 3D टैक्सट सिलैक्ट किया, देखो यदा मैं प्रिव्यू दिखाया तो यह इस तरह जिहड़ा आ घूमन लग जाएगा, मतलब ये इस तरह वर्क करेगा। सो इतों 3D टैक्सट की अगर सैटिंग्स के उत्ते मैं क्लिक करती हाँ तो इतों तुम कोई भी नाम, जिस तरह मैं लॉकडाउन टैक्स स्टडी रखा सी, तो तुम इतों कोई भी नाम जिहड़ा चेंज कर सकते हो, टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। चेंज फॉन्ट, इतों तुम यदा फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो कि किस तरह का फॉन्ट तुम देना चाहते हो, बोल्ड, इटैलिक या होर भी कोई भी फॉन्ट जिहड़ा सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह तुम चाहते हो कि इतने यदी रोटेशन जिहड़ी आ अलग अलग तरह की होवे, सो उतों चेंज कर सकते हो। इसी तरह कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर बॉक्स के डिस्प्ले सैटिंग्स के आप सैटिंग्स नू चेंज कर सकते हैं। सो इसी तरह मैं बबल्स वाला भी प्रिव्यू दिखा देनी हाँ, देखो जो मैं प्रिव्यू के उत्ते क्लिक किया देनो, देखो इस तरह का भी एक स्क्रीन सेवर आ जो अपने कंप्यूटर से लग जाएगा, जिसना आपको पता लग जाता है कि अपना कंप्यूटर ऑन आ। सो इतें एक टाइम भी आप सैट कर सकते हैं कि किन्ने टाइम तक आप जो कंप्यूटर नहीं यूज़ करते तो उस तो बाद घूमना शुरू हो जाए, सो उसको भी आप जरा इतों टाइम सैट कर सकते हैं। नैक्सट है अपने को डिस्प्ले, डिस्प्ले के उत्ते क्लिक किया सेम उतों आप जी 100% या 125% अपनी डिस्प्ले जी आप ले सकते हैं, इसको घट वध भी कर सकते हैं इतों। नैक्सट है अपने को टास्क बार या फिर स्टार्ट मैन्यू दी प्रॉपर्टीज़, ये देखो नीचे सब तो जी बनी होंगी उन्होंने टास्क बार कहें, पिछली वीडियो में आप देखा सी। सो इसको अगर लॉक करना हो जा आटो हाइड करना हो, मतलब कि जो आप क्लिक करिए दैन उदो वो शो हो जाए, जो अपना कर्सर ना हो तो उदो हाइड हो जाए। सो इस तरह की आप सैटिंग्स जीडिया टास्क बार दियाँ इतों कर सकते हैं। सो इसी तरह आप स्टार्ट मैन्यू दियाँ, देखो स्टार्ट मैन्यू उत्ते जो आप क्लिक करते हैं तो अपने को कुछ प्रॉपर्टीज़ देखो शट डाउन दो हों कि शटडाउन के इस तरह के जोड़े वर्क आ कर सकते हैं। सो इस तरह का अगर तुम कोई होर सिलैक्ट करना चाहते हैं जोड़ा कि शो हो, देखो इतने शटडाउन सिलैक्ट होया होया आ, अगर तुम कोई होर अपना रखना चाहते हैं स्लीप पर रखना चाहते हैं दैन स्लीप भी सिलैक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह तुम ये टूल बार के जो सैटिंग्स चेंज कर सकते हो। नैक्सट है ईज एंड एक्सैस सेंटर, मतलब कि तुम ईजीली कुछ एक्सैस करना हो दैन वो इतों तुम कर सकते हो, जिदा कि तुम मैगनीफायर यूज़ करना आ जा फिर माउस दैटिंग्स चेंज करनी आ फिर कोई भी इस तरह का काम आ जो तुम ज ईजीली करना चाहते हो। नैक्सट है अपने को कंट्रोल पैनल, देखो कंट्रोल पैनल के जिन्या भी आह सैटिंग्स खुलियां आदा काम की है, जो कंप्यूटर के कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कंप्यूटर दारिया सैटिंग्स कंट्रोल पैनल जाके करते हैं। सो इस तरह यदी जी बेसिक एकदम मैं थानू दस दिनी क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जानी। सो अगर मैं प्रोग्राम एंड फीचर्स के उत्ते क्लिक कर दियाँ, देखो ये की आ जिहड़ा भी आप कंप्यूटर में प्रोग्राम ज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हों तो हूँ उन्होंने अपनी लोड नहीं हैगी तो आप अनइंस्टॉल करना हों। सो ये आप राइट क्लिक करके इतों जिहड़ा आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो सब तो पहले आप कंट्रोल पैनल और उस तो बाद प्रोग्राम एंड फीचर्स के जाना उतों आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये सारिया सैटिंग्स आप कंट्रोल पैनल इतों कर सकते हैं, स्टार्ट मैन्यू पर जाके भी अपन कंट्रोल पैनल मिल जाता, इतों भी आप कंट्रोल पैनल ईजीली ओपन कर सकते हैं। सो इसी तरह हम डेट एंड टाइम बारे आप देख लें कि डेट एंड टाइम आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, देखो इतने आप टाइम जोन के उत्ते सब तो पहला क्लिक करेंगे और अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग जो टाइम सिलैक्ट इतों कर लवेंगे। देखो आप इंडिया में रहने, सो मैं इंडिया में रहनी हाँ तो इतों चेन्नई जो सिलैक्ट कर लूँगी, चेन्नई कोलकाता वगैरह इतों तुम सर्च करना जिन्ना कि अपना इंडिया का टाइम जो करेक्ट आएगा। अगर तुम कैनेडा या USA में है तो उसके अकॉर्डिंग जो इतों चेंज कर लेना है। सो इसी तरह तुम इतों अपनी डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो, कैलेंडर बनया हुआ इस कैलेंडर के जरा अगे पिछे करके अपनी डेट सिलैक्ट कर सकते हो, इसी तरह तुम टाइम को अगे पिछे कर सकते हो और इतों अपना टाइम जो सही कर सकते हो। अगर तुम ये थोड़ी एडवांस सैटिंग करनी है दैन तुम चेंज कैलेंडर सैटिंग्स के उत्ते क्लिक करोगे।
इत्थे तुसी जिहड़ा डेट दा फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, मतलब कि अगर तुसी मंथ पहला शो करना चाहते हो और डेट लास्ट दे उत्ते शो करना चाहते हैं तो सो इत्थों जिहड़ा आपां कर सकते हैं। इसी तरह टाइम दीआं सैटिंग्स भी आपां करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिस तरह आपां घंटे पहला शो करना चाहते हैं जां फिर मिनट बाद में शो करना चाहते हैं, इस तरह आपां उन्हां नूं कर सकते हैं, सैटिंग अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। सो उन्होंने ट्राई जरूर करके देख लेना, क्योंकि ट्राई करोगे तो आऊँगा। सो इसी तरह अपनी को स्पीकर वाईफाई या फिर जो भी तुसी सॉफ्टवेयर ओपन किया होया या उदा छोटा जिहा आइकन जिहड़ा है वह इत्थे बन जाता ताकि तुसी तो डायरैक्टली उन्हों बंद कर सकते हो। सो जिहड़ा ब्लिंक हो रहा है ये मेरा एक स्क्रीन रिकॉर्डर है जिन्ना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हाँ, सो इस करके इत्थे ब्लिंक हो रहा है। सो इसी तरह ये स्पीकर हो गया वाईफाई दिया जो भी अपने कोल अदर ईजी एक्सेस करन दे लई चीज़ां वो सब इत्थे हुंदियां ने। सो ये सी अज अपनी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो विच। सो चैनल नूं सबसक्राइब एंड शेयर जरूर करना, बैल बटन दे आइकन ते जरूर क्लिक करना। थैंक यू।